हेलो गाइस वेलकम बैक आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज पे हमारे एमसीक्यूज का जो टॉपिक है वो लिख लो आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आज के जो एमसीक्यूज है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है देखिए इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ध्यान से सुनना है और समझना है पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपके प्लीज़ राइट इट डाउन क्वेश्चन ऐसा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वेंडर वॉल्स फोर्सेज इज लाइकली टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए चार मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें वेंडर वॉल्स फोर्सेस सबसे ज़्यादा है अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में वेंडर वॉल्स फोर्स वेंडर वॉल्स फोर्स जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो वेंडर वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो सबसे इंपॉर्टेंट थेटिकल पॉइंट सबसे पहला बेसिक जो पॉइंट so, है वो ध्यान रखो विच मॉलिक्यूल्स हैव वेंडर वेंडरवर्ल्स फोर्सेस तो आंसर आएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स शो वेंडर वेंडरवॉल्स फोर्सेस तो आपका जो पहला मॉलिक्यूल है हो इट इज पोलार कैसे CO पोलर मॉलिक्यूल है सी ट्रिपल बॉन्ड हो इसपे नेगेटिव चार्ज इस पे पार्शियल रीजन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन इज मोर एच टू एस जो इसका शेप ऐसा है दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर इन नेचर फिर उसके बाद में एच सी एल इज लीनियर कंपाउंड डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पोलर कंपाउंड है बी आर टू जो है बी आर टू बी आर टू इज मेडअप ऑफ सेम एटम्स सेम ऐटम से बना हुआ है और जो भी कोई मॉलिक्यूल सेम ऐटम से बना हुआ होता है इफ अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय सेम एटम्स तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कितना हो जाता है जीरो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम एज जीरो बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी नॉन पोलर कौन सा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वेंडरवॉल फोर्स लाइकली टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वेंडरवाल फोर्स तो वेंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सो योर ऑप्शन इज सी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट बी आर टू ऑप्शन आपका सही रहेगा तो प्लीज टिक ऑप्शन सी दैट इज बी आर टू बी आर टू मतलब रहेगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला ठीक है चलो अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं एक है इंटर मोलिकुलर और दूसरा होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सेकेंड बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय हाइड्रोजन व्हेन इट कम्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नोफ मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनके बीच में अगर सपोज इनके साथ में हाइड्रोजन कॉन्टेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा Gets to और को जब हाइड्रोजन अटैच होता है तब ही बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रहेगा आपका आंसर अब ऐसा बोलेंगे जब भी आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी हाइड्रोजन आइटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरिन एटम्स को अटैच हो या बॉन्डेड हो तब जाके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आपको क्वेश्चन देखो उसमें क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल इज सपोज आपके पास फिनॉल इज वेन यू हैव बिंजिन रिंग और बिंजिन रिंग को अटैच होता है ओएज ग्रुप वेन ओएज ग्रुप इज बॉन्डेड टू बिंजिन रिंग इसको हम बोलते हैं फिनॉल क्या बोलते हैं इसको फिनॉल ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है फिनॉल जो है इसका दूसरा नाम भी लिख लो इट इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है जब भी आपका हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन में से किसी एक के एटम के कांटेक्ट में हो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन किसको अटैच्ड है ऑक्सीजन को जब भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड है तो ये किसी और के कॉन्टेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म एच बी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल में बनता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड लिक्विड अमोनिया दैट इज एन एच थ्री अब आप अगर देखेंगे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर एन एच थ्री मॉलिक्यूल इसमें एक लोन पेयर है डेफिनेटली हमारा जो हाइड्रोजन है वो किसको अटैच्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैच्ड है हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन को अटैच रहेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा इट इज गोइंग टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड फिर वाटर वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है वाटर इज इन लिक्विड स्टेट उसका रीजन भी है बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड अब देखो हाइड्रोजन अब किसको अटैच्ड है इट इज अटैच टू ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन किसको अटैच है ऑक्सीजन को अटैच्ड है आप कब एच सी एल अगर देखेंगे तो एच सी एल इज अ पोलर मॉलिक्यूल इस पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन को अटैच्ड है तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो बॉन्ड्स फॉर्मड इन केस ऑफ एच सी एल आर पोलर बॉन्ड इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा और ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता एच सी एल विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका आंसर रहेगा डेली प्लीज टेक ऑप्शन डेली क्लोरीन में एक कंपाउंड ऐसा होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोराल हाइड्रेड क्लोराल हाइड्रेड नाम का एक कंपाउंड है या क्लोराल भी बोल सकते हैं आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो एक एक्सेप्शनल केस है आगे डिटेल में हम देखने वाले तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड तो आंसर विल एच सी एल मॉलिक्यूल प्लीज टिक ऑन एच सी एल मॉलिक्यूल एच सी एल मॉलिक्यूल पे टिक करना है आपको ठीक है बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जल्दी से लिख के रखो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा अलग अलग चैप्टर्स में विच ऑफ द following इज highest viscosity? Viscosity मतलब थिकनेस आपका जो फ्लूड है उस वो थिकर कितना है विस्कस जैसे कि सपोज आपका कोई लिक्विड है जो बहुत इजीली फ्लो नहीं होता है यानी कि वो विस्कस फ्लूड है Viscosity जो है इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफर्ड लिक्विड बेसिक इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रिलेशन है क्या यस yes. हमेशा याद रखो कि आपके पास में जो भी मॉलिक्यूल है अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो दैट मॉलिक्यूल विल बी फॉर्मिंग और दैट मॉलिक्यूल विल बी मोर विस्कस तो विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ रिलेशन है क्या तो लिख के रखो विस्कोसिटी विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशन विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे उतनी ज्यादा विस्कॉसिटी होने वाली है ठीक तो है तो विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशन क्या रहेगा विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर विस्कोसिल्वियर लिक्विड अब आपका पहला जो मॉलिक्यूल है वो है glycerol. Glycerol मतलब एक ट्राहाइड्रिक अल्कोल होता है ट्राईड्रिक अल्कोल यानी कि एक ऐसा अल्कोल जिसमें तीन ओएज OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यू हैव थ्री ओ एज ग्रुप प्रेजेंट ये तीन ओएज OH ग्रुप है आपके पास फिर ग्लाइकोल है यू हैव ग्लाइकोल सी एच टू दिस इज सी एच टू दिस इज ओ एच एंडच

आपका जो ऑप्शन डी है वो तो रहेगा ही नहीं अब ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल इथेनॉल में अल्कोल्स में से जो अल्कोहल जिसमें ज़्यादा ओवेज ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे तो दिस मोलिक्यूल हैज़ थ्री ओवेज ग्रुप विच हैज मोर टेंडेंसी टू तो फॉर्म एच बी एच बी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दो ओवेज ग्रुप है और इसमें सिंगल ओवेज है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कौन बनेगा ग्लिसेरॉल ग्लिसेरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है ट्राईहाइड्रिक ट्राई हाइड्रिक अल्कोल का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा अल्कोहल जिसमें तीन ओवेज ग्रुप प्रेजेंट हो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इज द अल्कोहल विच एज थ्री ओवेज ग्रुप एंड इन दिस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल थ्री ओवेज ग्रुप विल हैव मैक्सिमम विस्कॉसिटी तो आंसर जो रहेगा इसका ऑप्शन ए रहेगा प्लीज टिक ऑप्शन है, है. ये क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार कर दीजिएगा बहुत चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइयर विल बी दिस्कॉसिटी तो हमारा तो जो ग्रुप है हमारा ओ एज ग्रुप तीन ओ एज ग्रुप है इसके लिए इसकी विस्कॉसिटी ज्यादा है नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो

बी आर टू से ज्यादा ऐसा बोला जा रहा तो अगर आप देखेंगे बी आर टू तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आई सी एल अगर देखेंगे तो दिस इज आई सी एल डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ये बॉन्ड है पोलर कौन सा बॉन्ड है ये पोलर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो जब भी, भी आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हो तो व्हेन यू कंपेयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पोलर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर

थोड़ा लॉजिक लगाना है लॉजिक लगाए कि आपको आंसर आ जाएगा उसके बाद का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो एच टू ओ हेज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आप अगर एच टू ओ का मॉलिक्यूल देखेंगे एच टू ओ मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप इस पे दो लोन पेयर होते हैं एच टू एस मॉलिक्यूल जो है ये भी एंगुलर शेप का होता है इसमें भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं दो लोन पर प्रेजेंट होते हैं ये जो हमारा एच टू ओ है H2O, इसका बॉन्ड एंगल वन जीरो फोर पॉइंट फाइव डिग्री होता है इसका 92.5 टू पॉइंट फाइव डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल ऑफ एच टू एस इज लेस देन दैट ऑफ एच टू ओ क्वेश्चन ऐसा गिव रीजन में भी पूछा जाता है थियोरटिकल चैप्टर बेस क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन वाई एच टू एस इज इन गैशियो एस जो गैशियर स्टेट में एंड एच टू ओ इज इन लिक्विड स्टेट ऐसा क्यों होता है ये पूछा जाता है क्या पूछा जाता है प्रूव दैट वाई एच टू ओ इज इन लिक्विड स्टेट एंड एच टू एस इज इन गैशियर स्टेट ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो एच टू ओ और एच टू एस में एच टू एस जो गैशियर स्टेट में रहने का रीजन ऐसा है कि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है एच टू ओ जो है ये हाइड्रेट ऑफ ऑक्सीजन है इसमें टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर वाटर जो है वाटर एज टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी रहने की वजह से एच H2 टू जो एच टू ओ जो है वो लिक्विड स्टेट में है और एच टू एस जो है वो गैशियस स्टेट में है तो वाई एच टू ओ इज इन लिक्विड स्टेट हैजेंडेंसी टू एम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एच टू एस एच टू एस में ये पॉसिबल नहीं है एज दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एच टू एच टू एस इज इन गैशियस टू हाइयर बॉइलिंग पॉइंट इज बिकॉज तो हम बोलेंगे द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड एच टू ओ यहाँ पे आप देखो द बॉन्ड एंगल ऑफ एच टू इज मोर देन एच टू एस ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें तो आपका पॉइंट जो रहेगा वो किस पे आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय वॉटर विच इज नॉट फॉर्मड इन एच टू एस तो आंसर आपका रहेगा सी तो प्लीज टिक ऑप्शन सी सी ऑप्शन टिक करो बच्चो इसके बाद का जो पार्ट है वो देखना है हमारे को नेक्स्ट वाला एमसी के चलो नेक्स्ट वाला देखो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज वाटर मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है ये पूछा जा रहा है आपको दिस इज योर वाटर मॉलिकुल अब वॉटर मॉलिकुल में देखो इसपे होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसपे होता है डेल्टा नेगेटिव सॉरी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है क्या बनाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले जब भी आपका हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कॉन्टेक्ट में जैसे कि ओ एफ तो ये एक हाइड्रोजन बनाएगा, दूसरे जो हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर टू अब ये जो ऑक्सीजन है इसके कॉन्टेक्ट में अगर हाइड्रोजन आता है तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टू तो क्या होगा ये और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो टोटल हाइड्रोजन दैट वॉटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज फोर ये तो आपको नींद में से भी उठाए तो याद आ जाना चाहिए फिर भले आप सो जाओ हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म तो वाटर मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो आपका आंसर जो रहेगा देट विल बी फोर प्लीज टिक ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर टिक करो बच्चों ठीक है बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है अब इसके आगे का पॉइंट जो है वो देखेंगे हम चलो नेक्स्ट वाला देखो आप क्वेश्चन हमारा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरीन गैस इज गैस ब्रोमीन इज इन लिक्विड एंड आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आपको क्या पूछा जा रहा कि ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्लोरीन जो है ये गैशिया स्टेट में ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में और आयोडीन जो है ये सॉलिड स्टेट में अब सबसे पहले कोई भी लिक्विड और गैश स्टेट में जो रहता है इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर suppose किसी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो कौन से सब्सटेंस कौन से स्टेट में चला जाएगा दैट विल एंटर इन टू सॉलिड स्टेट इफ अ मॉलिक्यूल और वो से स्टेट में रहेगा सॉलिड स्टेट में जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेट चेंज होते जाने वाला है अब देखो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरीन इज अ गैस ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वैसे बोलेंगे द स्पेसिफिक हीट इज इन ऑफ द ऑर्डर द इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरिन आर वीकेस्ट आप अगर देखेंगे क्लोरिन के फोर्स वीकेस्ट है एंड दैट ऑफ आयोडीन आर स्ट्रॉगेस्ट तो आयोडीन का फोर्स सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमिन एज कम्पेयर टू क्लोरिन इसलिए इसका जो स्टेट है ये सॉलिड होता है इसका ये लिक्विड होता है और इसका एक ऐश स्टेट होता है तो आपका जो आंसर रहना चाहिए दैट विल बी बॉम्बे प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे बहुत सिंपल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका अगर स्टेट देखेंगे आप आयोडीन का सॉलिड स्टेट रहने का रीजन ये है कि आपका आयोडीन जो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है चलो अब उसके बाद का जो पॉइंट है वो देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑफ द टू कंपाउंड शोन बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ऑप्शन ए हाइयर देन ए ऑप्शन बी लोअर देन ए ऑप्शन सी सेम एज ऑफ ए एंड ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन सॉरी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ साइज एंड वेसल अब सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो है वो देखो आपको जो स्ट्रक्चर ए दिया गया है दिस इज योर स्ट्रक्चर ए ठीक है ये स्ट्रक्चर ए हमारा ये स्ट्रक्चर ए का पॉइंट देखो दिस इज ओ एज ग्रुप दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और ये जो कंपाउंड इसको हम बोलते पैरा दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल ये कंपाउंड को पैरा नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं अब ये जो हमारा कंपाउंड है देखो ध्यान से ये कंपाउंड को हम बोलेंगे दिस इज योर ओ ग्रुप एंड दिस इज योर एनओ टू ग्रुप एन ओ माइनस डबल बॉन्डो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये दो कंपाउंड में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है सॉरी वे, किसका वेपर प्रेशर कम और किसका ज्यादा या इक्वल ऐसा पूछा जा रहा है अब ये जो पेरा नाइट्रोफिनॉल है इसकी जो बॉन्डिंग बनेगी विल बी दैट विल बी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये जो है इसकी बॉन्डिंग जो बनने वाली है अब देखो इसमें एच और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये जो बॉन्ड होता है उसको बोलते इंट्रा मोलिकुलर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बी में बनता है इसलिए बेसिकली क्या होगा कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है और तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है हमेशा याद रखो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं एक होता है इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बनेगा और दूसरा रहता है इंटर अब क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री है टू बॉन्ड विथ अनदर मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं एक है इंटर मोलिकुलर दूसरा है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो कि एक स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड है कौन सा स्टीम वोलेटाइल याद रखो ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यह कम रहेगा किसके कंपैरिजन में विद दैट ऑफ पैरा पैरानाइट्रोफिनॉल क्योंकि इसमें बनता है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये जो इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान को बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जितना ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो आप ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऑर्थो और तो औरट्रोफिनॉल का कम है एज कंपेयर टू तो पैरानाइट्रोफिनॉल देयर देयरफॉर इनका जो वेपर प्रेशर है

बेस्ड ऑन यूर कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सेकंड बॉन्ड वेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलो अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंगज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन ए वॉटर एच टू ओ वॉटर जो है इट फॉर्म्स इंटर मतलब दूसरा कोई वॉटर का मॉलिक्यूल है इंटर मोलिकुलर बनाता है ये इंटर मॉलिकुलर कैसे बनता है सपोज हो रहा है यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इंटर दो मॉलिक्यूल के बीच में बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटर जैसे इंटर स्कूल होता है इंटर स्कूल मतलब क्या दो अलग अलग स्कूल के बीच में इंट्रा स्कूल का मतलब क्या एक ही स्कूल के अंदर ऐसा इंटर मोलिकुलर और इंट्रा इंट्रामोलिकुलर तो बिटवीन टू डिफरेंट मोलिकुल इंटर और अगर सेम है जैसे कि सपोज ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर आप ले रहे ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिस इज योर बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच है ओ एज ग्रुप यहाँ पे एन ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ ठीक है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ये रहेगा इंट्रा इंट्रामोलिकुलर कौन सा रहेगा इंट्रा याद रखो ऑर्थो फॉर्म्स इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपका जो आंसर दैट विल बी बॉम्बे ये जो मॉलिकुल ये ये और ये इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा इंटर मोलिकुलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बना जाए तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे चलो इसके बाद का जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से नेक्स्ट वाला एमसीक्यू फॉलोइ मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक इंटर मोलिकुलर फोर्स इज द टाइप ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस डायपोल कौन से मॉलिकुल में इंड्यूस डायपोल इंड्यूस्ड होता है आपके पास पहला जो मॉलिक्यूल दिया जा रहा क्लोरिन सीएल टू सीएल टू अगर आप देखेंगे ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर इसमें जो फोर्स होते हैं ये कौनसे होते हैं वेंडर वॉल्स फोर्स वेंडर वॉल्स फोर्स एच सी एल जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है यानी इसमें डायपोल प्रेजेंट रहेगा पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल इज दैट विच इज डायपोल मोमेंट डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे सी एच थ्री ओ एच जो होता है सी एच थ्री ओ एच इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव चार्ज बट ये कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा इट इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर उसके बाद में सी टू एच सिक्स बॉन्ड जो है सी टू एच सिक्स ये पोलर बॉन्ड है इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है अब आपको क्या पूछा जा रहा इन विच ऑफ द इंटर मोलिकुलर फो इज अ टाइप ऑफ इंड्यूस डायपोल मतलब इंड्यूस डायपोल ऑलरेडी डायपोल प्रेजेंट नहीं है इसमें डायपोल इंड्यूस होगा अगर ये ये अगर आप देखेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सी टू एफ सिक्स सी टू C2F6. जो है पोलर कोवेलैंड बॉन्ड वाला है और अगर कोई बॉन्ड पोलर कोवेलेंट वाला है तो ऑब्वियसली इसमें डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा इसमें इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है तो आपका ऑप्शन डी सही नहीं है एच भी नहीं रहेगा क्योंकि वो भी बॉन्ड पोलर है इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लोरीन इसके लिए इसमें हम डायपोल इंड्यूस कर सकते तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ए प्लीज टिक ऑप्शन ए ए ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑप्शन ए टिक करना है चलो लिखो जल्दी जल्दी से फिर आपके एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम इंपॉर्टेंट वाले देन फिर लेक्चर को आज एंड करेंगे KF with HF to form KHF2, then the अब अगर आप देखेंगे KHF2, ये जो है इसको अगर आपने आयोनाइज करवाए यानी कि इसको अगर आपने पानी में डाले तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा इट इज गोइंग टू गिव के प्लस प्लस एच एफ टू उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज तो हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड है इसमें ये है मेटल जिसकी वैलेंसी वन तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो टूटेगा टू गिव के प्लस एंड एच एफ माइनस टू सॉरी एच एफ टू उस पर नेगेटिव चार्ज माइनस वन तो आपका जो आंसर दैट विल बी रहेगा सी ऑप्शन आपको टिक करना है दो सौ आठ का ऑप्शन सी रहेगा विच कंटेन्स स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगेस्ट किसमें रहेगा अब यहाँ पे अटैच है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हाइड्रोजन फ्लोरिन को हाइड्रोजन सल्फर को सल्फर को तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है फिर उसके बाद में हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे फ्लोरिन को अब देखो दो केस फ्लोरिन के है फ्लोरिन जो है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियडिक्टेबल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहेगा दैट इज फ्लोरिन और फ्लोरिन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है प्योडिक टेबल का तो इट फॉर्म स्ट्रॉगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड विच मॉलिक्यूल विल फॉर्म स्ट्रॉगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखो जहा पे हमारा हाइड्रोजन फ्लोरिन को अटैच्ड है वो वाला कंपाउंड स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बताएगा यहाँ पे हाइड्रोजन एक फ्लोरिन को अटैच है यहाँ पे हाइड्रोजन दो फ्लोरिन को अटैच्ड है फ्लोरिन या फ्लोरिन बोल सकते आप इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें इन ऑप्शन सी सी टिक करो बच्चों रीजन लिखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स ऑन अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ फ्लोरिन विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देर फोर फोर वी कैन से दैट वी कैन से दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगेस्ट इन एफ एच एफ सी ऑप्शन उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल वाला है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है नो एच बी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने की वजह से एच टू ओ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और एच टू एस का कम तो आपका ऑप्शन रहेगा सी प्लीज टेक ऑप्शन सी तो इस तरीके से आपको ये करने हैं इतना पॉइंट लिख के रखो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ जय हिंद